In Delhi right now with a few people with some expectations. Apurva, what are the expectations around you from ordinary citizens? What are people saying to you today? Let me just quickly go through the people who are with me here. आप बताइए इस बजट से आपके सबसे बड़े एक्सपेक्टेशंस क्या है, महंगाई को लेकर आपको क्या लगता है, कौन सी एरियाज है जो आपको लगता है सरकार को फिलहाल एड्रेस करना चाहिए महंगाई और बाकी सारी चीजों को लेकर? महंगाई पे पहले तो पेट्रोल पे करना चाहिए। पेट्रोल उन्होंने मतलब अभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ा था, न्यूज़पेपर में पेट्रोल बढ़ाएंगे 48 दिन के अंदर, ये गलत है। और भी कई चीज़ें का सरकार मेरे हिसाब से सही काम नहीं कर रही है जी। अच्छा, महंगाई बढ़ती चली जा रही है जी, और आम आदमी का जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे हिसाब से। आप बताइए क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके हिसाब से इस बजट में, कौन से एरियाज हैं जो आपको लगता है सरकार को ज्यादा बढ़कर उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? मैं सोच रहा हूँ कि मोदी जी ने अच्छे दिन का देश के लोगों को सपना दिखाया था, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने बन के रह गए हैं। और लोगों के, पूरे देश के लोगों का बैंकों में अकाउंट खुलवा दिया कि 15-15 लाख रुपया आप सबको मिलेगा, सब लोगों को बहुत आस थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब महंगाई चरम सीमा पे है, कोई महंगाई के रेट कम नहीं हुए। पेट्रोल डीजल के रेट देख लिए, घरेलू गैस के रेट देख लीजिए, और लोगों का जो कारोबार है, जैसे नोटबंदी में उन्होंने कहा था कि अगर 50 दिन में हालात नहीं बदले तो मुझे फांसी पर लटका देना। अब देश के लोग ये भी देख रहे हैं सब चीज़ों को कि भैया आप लोग क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो और कितने हालात बदले। अब मैं महसूस करता हूँ कि क्योंकि अब चुनावी उनका जुमला था वो सारा खत्म हो गया, अब वो फिर चुनाव में जा रहे हैं। ये आखिरी बजट है इस सरकार का। अब ये मुझे लगता है कि शायद ये स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अगर कुछ करें तो शायद करें जिससे इनको वोटें मिलें। वोटें बटोरने का बजट होगा, ये लोगों के फायदे का बजट नहीं। 4 साल तो लोगों ने ऐसे ही गुजार लिए, ऐसे महंगाई में और ऐसे ही हालात में गुजरे हैं, और ना वुमन की सुरक्षा हो पाई है, ना दलितों का बचाव हो पाया है, ना इंडस्ट्री डेवलप हो पाई है, ना किसान की खुदकुशियां तो रुकी है। खास तौर पे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो विमेन सेफ्टी और महंगाई को लेकर है। आप बताइए कि कैसे, कौन से एरिया से जो आपके लगता है आपके घर के बजट भी बिल्कुल बाहर हो चुके हैं महंगाई को लेकर, आम आदमी के लिए क्या राहत की उम्मीद रखते हैं इस बजट से? देखिए, अभी पिछले 4 साल से तो कोई राहत नहीं हुई। पहले पहले 4 साल पहले 300 रुपये का सिलेंडर मिल जाता था, आज 800 रुपये हो गया है। तो इतना गैप देख लीजिए, इतने दिनों में हो गया है। तो बेसिकली हमें देखो, 4 साल में तो अभी तक कोई उम्मीद दिखी नहीं, खाली सपने ही दिखाए गए हैं। और अभी देखते हैं कि लेट्स सी क्या करते हैं। मुझे उम्मीद नहीं है कि कर पाएंगे, ये खाली चुनावी दावे हैं। और मुझे लगता है कि खाली अगर थोड़ा बहुत कुछ करेंगे भी तो ओनली वोट्स के लिए करेंगे और कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, दीज आर द वॉइस आर कमिंग इन। ऑफ कोर्स देर आर एक्सपेक्टेशन, बट देर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट दैट नथिंग हैज रियली बीन डन ऑन ग्राउंड, बट ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन राइडिंग हाई फॉर द अपकमिंग बजट। बैक टू यू। All right, Apurva, many thanks there for bringing